एक बार चंद्रशेखर आज़ाद अपने कुछ क्रांतिकारी साथियों के साथ बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे। उनके दोस्त मास्टर रुद्र नारायण ने ठिठोली करते हुए पूछा कि पंडित जी, अगर आप पुलिस के हत्थे चढ़ गए तब क्या होगा? माहौल गर्म हो गया, सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने अपनी धोती से पिस्तौल निकाली और लहराते हुए कहा कि जब तक तुम्हारे पंडित जी के हाथ में ये पिस्तौल है ना, किसी की माँ ने इतना खालिस दूध नहीं पिलाया जो चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर सके। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य द्विवेदी, आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज़। आज किस्सा चंद्रशेखर आज़ाद का। क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा में चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ था। पिता सीताराम तिवारी और मां जगरानी देवी की इकलौती संतान थे चंद्रशेखर। किशोर अवस्था में उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश थी। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और मुंबई निकल पड़े। उन्होंने बंदरगाह में जहाज की पेंटिंग का काम किया। मुंबई में रहते हुए चंद्रशेखर को फिर वही सवाल परेशान करने लगा कि अगर सिर्फ पेट ही पालना है तो क्या भाबरा बुरा था? वहाँ से उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई के लिए काशी की ओर कूच किया। इसके बाद चंद्रशेखर ने घर के बारे में सोचना भी बंद कर दिया और देश के लिए समर्पित हो गए। आज़ाद की माँ जगरानी देवी ने अपनी दो उंगलियाँ बांध ली थीं और प्रण किया था कि जब तक आज़ाद घर नहीं आ जाते वो उसे नहीं खोलेंगी। आज़ाद तो नहीं आए, लेकिन उनकी मौत की खबर उनके घर जरूर पहुंच गई। चंद्रशेखर आज़ाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि मुख्यधारा की कांग्रेस पार्टी भी क्रांतिकारियों के विचारों को समझे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करने का फैसला किया। तारीख थी 27 फरवरी 1931। सुबह सुबह वो इलाहाबाद के आनंद भवन पहुँच गए जहाँ जवाहरलाल नेहरू रहते थे। आज़ाद के मुलाकात का जिक्र नेहरू ने अपनी जीवनी में भी किया है। आज़ाद जानना चाहते थे कि क्रांतिकारियों पर जो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं वो भारत की आज़ादी के बाद भी चलते रहेंगे या ख़त्म कर दिए जाएंगे। दोनों नेताओं के तेवरों में तलखी थी। कहा जाता है कि नेहरू ने कहा कि आज़ादी के बाद भी इन लोगों को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। आनंद भवन से आज़ाद सीधा अल्फ्रेड पार्क गए। 27 फरवरी 1931 को जब अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जामुन के पेड़ के नीचे एक साथी के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे, तभी एक मुखबिर की सूचना पर डिप्टी एसपी ठाकुर विश्वेश्वर सिंह और पुलिस अधीक्षक सर जॉन नॉट बावर ने पूरे पार्क को घेर लिया। बावर ने आज़ाद को गोली मारी जो उनकी जांग में जा लगी। आज़ाद जब तक कुछ समझ पाते, पुलिस वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और अपने क्रांतिकारी साथी को जाने के लिए कहा। आज़ाद सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लोहा लेते रहे और दो पुलिस अधिकारियों को घायल कर दिया। एक और गोली आई और आज़ाद के कंधे में जा धंसी। अब आज़ाद की पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची थी। उन्होंने अपने पास की मिट्टी उठाई और माथे से लगा लिया। पुलिस का हाथ उन पर पड़े उससे पहले ही आज़ाद ने अपने पिस्तौल की आखिरी गोली अपनी कनपट्टी पर दाग ली। जिस जामुन के पेड़ की ओट में आज़ाद की मृत्यु हुई थी उसे रातों रात कटवा दिया गया ताकि किसी को खबर न लगे। लोगों को पता चल गया और देश भर में क्रांति की लहर चल पड़ी। आज़ाद इस देश की मिट्टी के लिए लड़ते हुए इस देश की मिट्टी में ही शहीद हो गए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में भी उन्होंने इस शेर को चरितार्थ किया कि हम दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।